वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद सिंह प्रसाद। भाई राजीव ऋषि जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं और इस कार्य को करने में जो सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, अनुभव मिल रहा है आप सभी का, उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ अब बात करते हैं, भैया आए हुए हैं पीके लवकेश। हाँ, पीके लवकेश जी बादोगढ़ से हूँ। एक मैं यहाँ से बीच में काट दूंगा। हमारे पास से आज पुनः द्वारा हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि जो बड़े भाई हैं पीके लवकेश जी बहादुरगढ़ से योग शिक्षक हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अपने ही जहां ये रहते हैं उस जगह हर्बल वाटिका बना रखे हैं औषधियों का, और उस हर्बल वाटिका से स्वस्थ समृद्ध परिवार के लिए औषधियों का जो जड़ी बूटी होती हैं वो लेकर आए हैं। इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन, और इसके बारे में भी बताएंगे। और अभी बात बात करते करते एक बहुत ही छोटी सी दिल की बात भी हुई है, वो भी बताएंगे, आप बने रहें। जी भैया बताइए। वंदे मातरम सभी को, स्वस्थ समृद्ध परिवार की सेवा में गोविंद जी सदा लगे रहते हैं, तो इसी के प्रयास में हमने अपने हर्बल गार्डन से गोविंद जी के लिए स्पेशल पौधा लेकर आए हैं। ये पौधा है आपका काला बासा, जो होता है खांसी के लिए बहुत ही अचूक दवा है। इसको सुखाकर, इसका पाउडर बनाकर अगर शहद के साथ चाटते हैं तो कैसी भी खांसी हो उसको ये तुरंत ही काम करता है। बहुत गजब का है, कांटेदार होता है। तो ये मैंने, बहुत सारे बच्चे अब निकले हुए थे तो बेबी प्लांट्स, तो गोविंद जी के लिए मैं ये लेके आया हूँ। तो पहला पौधा ये है। दूसरा पौधा है हमारे ब्रेन के लिए, मगज के लिए। आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को माइग्रेन, सिरदर्द रहता है, बच्चों को कंसंट्रेशन की कमी है, स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, इन तमाम तरह के रोगों को ठीक करने की ये दिव्य औषधि, चमत्कारिक औषधि, स्वस्थ समर्थ परिवार की एक अचूक औषधि आपके हर घर घर में ये होनी चाहिए, आपके गार्डन में होनी चाहिए। ये है आपकी ब्राह्मी, सफ़ेद ब्राह्मी है, और ये इस तरह से छोटी ब्राह्मी है। बाजार में कूड़ा मिलता है, आप ताज़ा लगाइए, कहीं से भी तोड़ कर आप इसको लगा सकते हो। जैसे ही लगाएंगे तो आपका 3-4 दिन में ही बड़ी अजब गजब की खिलेगी, और एकदम से इसको ध्यान ये रखना होता है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए इसको, पानी, क्योंकि ये पानी की ही औषधि है। तो जितना पानी देंगे उतना ही आप तोड़ तोड़ के औरों को बांटिए, जैसे गोविंद जी हमारे बांटने में लगे हुए हैं, दिव्य ज्ञान को, राजीव दीक्षित जी के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे। ऐसे ही मेरा यही रहता है कि हमने किचन डिस्पेंसरी बनानी है, तो उसमें घर में आयुर्वेदिक औषधि ऐसे 10-20 हमने निकाल रखे, तो वो पौधे हमें लगानी चाहिए। तो ब्राह्मी है, ब्राह्मी आपके लिए हम लेकर के आए हैं। और इसके अलावा डायबिटीज के लिए, हाँ ये देखिए, ये बहुत अच्छी दिव्य औषधि हम लेकर आए हैं आपके लिए। ये है आपकी इंसुलिन, जो आजकल बहुत ज़्यादा शुगर रहती है लोगों को, तो शुगर के लिए इंसुलिन का पौधा ये लेकर के आए हैं। तो इसके पत्ते भी अगर सुबह सुबह संजीवनी जूस या ऐसे ही आप बना कर लेते हो, ऐसे ही खा जाते हो, तो डायबिटीज के लिए भी बहुत अद्भुत पौधा है। क्योंकि यथा पिंड है तथा ब्रह्मांड है, जो हमारे ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में है, इसलिए हमें पौधों, पेड़ पौधों के दिव्य प्रयोग से ही हमें अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए, आसपास अपनी जड़ी बूटी लगानी चाहिए, और जो भी पेड़ पौधे हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये हड्डी जोड़ने की जो अद्भुत अद्भुत दवा है, ये जड़ी है, ये हड्डजोड़ बोलते हैं इसको, कहीं भी तोड़ के लगा दो अपने आप ही में ये लग जाती है। तो ये गोविंद जी को मैं देना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने भी पूरे भारतवर्ष से ऐसे स्वास्थ्य प्रेमियों को जोड़ दिया है, तो ये हड्डी भी जोड़ने का ऐसा ही काम करेगी। तो हड्डजोड़ लेकर के आए हैं, और इसका सबसे बढ़िया एक और प्रयोग, इसका सुखा के पाउडर बना लो, हलवा बनाइए, और हलवे देसी घी का, और हलवे में ऊपर से डाल के अगर आप इसका पाउडर खाते हो, 15 दिन के अंदर ही मैजिक रिजल्ट देता है। ये आपका पौधा मदर ऑफ 1000, ये सैकुलेंट प्लांट है, इसके ऊपर पौधे लगते हैं, ये थोड़ा सा पानी की वजह से थोड़ा सा मुरझाया हुआ है,
तो इसके ऊपर किनारे पे पौधे लगते हैं, तो ये एक सेकुलेंट प्लांट है, कहीं पर भी रख दो, बहुत अच्छा सुंदर है। तो ये कुछ है के पौधे मैं लेकर के आया गोविंद जी के लिए, और स्पेशली पेड़ पौधे, फल फूल जूस, घरेलू जीरा, धनिया, मेथी, सौंठ, अजवाइन, इनसे आप ठीक हो सकते हो। तो आप दवाइयों के सहारे पे मत जिए, आप जितना ये प्रयोग करेंगे और दूसरों को बताएंगे, उतना ही फिर से हमारी जो राजीव दीक्षित जी का जो लक्ष्य था कि हम स्वस्थ रहें बिना दवा के, और शुद्ध सात्विक आहार जब खाएंगे अपनाएंगे तो उसे हम जीवन भर के लिए स्वस्थ रहेंगे। अगर ये हमारे ऋषि मुनियों ने ये देन ना दी होती तो ये आगे ना बढ़ता। और दूसरा क्या है, अगर आप अगर किसी को नहीं बताओगे तो ये जो ऐसे ही दबके रह जाएगी। और दो भाई साहब ने कहा था कि एक इच्छा है संकल्प है, मैंने अभी इनसे बात हुई चली तो ये संकल्प चला कि जैसे अभी बंगाल में जड़ी बूटी प्रशिक्षण शिविर हुआ, घरेलू प्राकृतिक उपचार का शिविर हुआ, ऐसा ही हम गोविंद जी से अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि दिल्ली में भी अगर इस तरह का एक शिविर लग जाए तो दिल्ली तो बॉम्ब है, यहाँ एक ऐसा बम फोड़े, क्योंकि सेवा बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोगों में अवेयरनेस की जरूरत है। छोटे प्रयास नहीं, बड़े प्रयास करने होंगे बड़े स्तर पे। तो गोविंद जी का और हम सबका ये लक्ष्य है कि हम यहाँ पर भी एक चिकित्सा शिविर ऐसा ही 3 दिन का 5 दिन का लगाएं, जिससे आए और वो सीख करके और 10 को अन्य सिखाएं, जिससे कि ये सर्व समर्थ परिवार 1 से 10 और 10 से 100 गुना बढ़ जाए। गोविंद जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं दिल से बता रहा हूँ, दिल से इतना अंदर से खुशी महसूस हो रही है। जब मैं परंपरागत जड़ी बूटी प्रशिक्षण बंगाल में था तो वहां पे मेरे को एक चीज बड़ा दिल में कचोट रहा था कि काश ये जो प्रशिक्षण शिविर है ये जंगलों में ना होके आपके आसपास के गांव में हो। मतलब मेरी इच्छा थी कि हम जंगल में आके बहुत सारी जड़ी बूटियों को जानेंगे और 3 दिन 4 दिन बाद जाके उसको भूल जाएंगे, क्योंकि घर जाते ही जिम्मेवारियां आ जाएगी, दूसरी सारी चीजें आ जाएगी तो भूल जाएगी। तो मेरी इच्छा थी, तो मैंने वहां पे इच्छा भी जाहिर करी और बताया भी कि जो ये प्रशिक्षण शिविर है ये यहाँ ना लग के वहां लगे, जहां आप जो भाई बंधु आए थे उनको बोला कि जी अगर आप यहाँ आए हुए हैं तो आपके प्रशिक्षण शिविर यहाँ, जैसे दिल्ली में आप आए, बंगाल से आए, महाराष्ट्र से आए, कोलकाता से आए, उड़ीसा से आए, बिहार से आए, तो आप आने का 5 दिन रहने का और वहां की जो सहयोग राशि थी वो सब मिला के जो खर्च करते हैं, उतने ही खर्च में आप अपने क्षेत्र में गांव अपने में गांव में अनुभवियों को बुलाइए और अपने गांव वालों के लिए अरेंज कीजिए। तो उसी तर्ज पे अब मैं भी मतलब चाहता हूँ कि जो दिल्ली में हम रहते हैं तो दिल्ली के आसपास में जो उपलब्ध है, जो यहाँ का उपलब्ध है, उन्हीं जड़ी बूटियों के बारे में पहले बताएं, और कुछ ऐसी जड़ी बूटियां जो सुलभता से हम घरों में लगा सकते हैं, अपने गमलों में लगा सकते हैं, उनके बारे में जानकारी दें। और जानकारी देना क्या, हम कौन जैसे हम सब ज्ञानी नहीं है, बस यह है कि एक दूसरे से अंदर ही अंदर विश्वास और उत्साह पैदा करना है, और विश्वास और उत्साह से, क्योंकि अभी एक छोटा सा है बड़ी बात, अभी एक छोटा सा बताना चाहूंगा। मेरे पास फोन आया किसी दीदी का कि मेरे बच्चे को बुखार है और ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मैंने उनको बोला आप बेंगलोर में थे या क्या, तो कहते ये चीज है नहीं है, ये चीज है नहीं है, ये चीज है नहीं है, अच्छा ठीक है एक काम करो हल्दी है, मैं हाँ हल्दी है, तो वही हल्दी, 2 चुटकी हल्दी को 1 कप पानी में उबालो, जो बढ़िया सा चौथाई कप रह जाए, तो छान के उसमें से एक एक चम्मच करके बच्चे को पिलाते रहो। देखिए यही है, वो 2 चुटकी हल्दी से उस बच्चे की सारी समस्या, जो पेट दर्द हो रहा था, बुखार हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, भूख अच्छी नहीं लग रही थी, सुस्त पड़ा हुआ था, वो सारी समस्याएं दूर हो गई 2 चुटकी हल्दी से। तो उसी तरीके से हमारे पास जो पड़ा है उसके प्रति का ज्ञान, उसके प्रति की उत्साहना, उसके प्रति का विश्वास हमें एक दूसरे को देना है। आपके पास जो है आप हमें देंगे, हमारे पास जो है हम आपको देंगे, तो इस तरीके का प्रशिक्षण शिविर करना है। अच्छा गोविंद जी, एक छोटा सा सुझाव है मेरा, जो भी वहां पे शिविरार्थी आए सीखने के लिए हाँ उनको आप 10 गांव दे दो, 10 गांव में आपने जा करके उनको होमवर्क दो, ये कि आप 10 गांव में जाइए और
10 गांव में जाकर के जड़ी बूटियों के बारे में बताइए, होमवर्क दीजिए उनको, तब ऐसे बढ़ेगा। हाँ और जी जैसे हम बहादुरगढ़ है, हमारे पास पास बहुत सारे गांव हैं, हर गांव में हमारी ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से बहुत सारी सेवाएं चलती है, तो हर गांव में हमारे जानकार रहते हैं। तो जैसे ही अगर आप चाहेंगे तो हम पूरा आपके साथ कोऑपरेट जी करेंगे, गांव में कहीं पर भी ये शिविर लगाएं तो उसे गांव वालों को भी लाभ मिलेगा और हमारे जो जो भी आप आएंगे सीखने के लिए जी उनको भी लाभ मिलेगा, डबल लाभ हो जाएगा। तो इसी चीज के लिए हम बात करते हैं, तो इस पे हम कार्य करते हैं अपने, हमें जो आपस में विचार, क्योंकि होता है इच्छाएं जो रखी जाती है, सपने जो खुले आंखों से देखी जाती है, हाँ उसी के लिए काम किया जाता है। नींद वाले सपने पे कभी भी काम नहीं होते, खुली आंखों से जो सपने देखे जाते हैं उसके लिए काम किए जाते हैं, तो वो जरूर करेंगे। और आप सभी का जो सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है, देखिए मेरे पास, मैं ब्राह्मी नीर ब्राह्मी को वहां देख कर आया, काला भाषा को मैं कहीं और देख के आया था, लेकिन कभी मेरे पास ठीक है, तो आज परमात्मा ने जो हमारी इच्छाएं थी वो पूरा धीरे धीरे पूरा हो रहा है, सारी हाँ चीजें आ रही है। कल मेरे भाई हाँ आए DTGC में जॉब करते, उन्होंने भी एक इंसुलिन का पौधा दिए जो यहाँ पे लगवाए, जिससे इंसुलिन को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो उस तरीके से जो ज्ञान है जो मिल रहा है, जो प्यार ये सब मिल रहा है, तो उसके लिए ये सब चीजें हो रहा है। तो आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से, अनुभव से, मार्गदर्शन से आगे क्रांति होगी। लेकिन हमें जो क्रांति करनी है, सबसे पहली क्रांति अपने अपने दिल में होनी अपने चाहिए। दिल में अपने स्तर पे करनी पड़ेगी, हाँ अपने घर परिवार अपने अपने मोहल्ले समाज की तरफ से हम जी, करेंगे तो अपने आप विस्फोट होगा ये। हमने बहुत अच्छी, मतलब बचपन में सुना है, कई जगहों पे पढ़ा है, कोर्ट भी पढ़ते हैं, खुद बदलो तो जग बदलेगा, हाँ खुद बदलो तो जग बदलेगा, तो खुद बदलते इसलिए हैं। आप सब काश इसका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहूंगा कि खुद बदलने का प्रयास करते हैं, हमें जो है हम आपको देते हैं, आपके पास जो है आप हमें दें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय जय भारत, भारत, जय राज्य जय भारत। राजीव।